आलिहि व असहाबिहि। मिंबर पर रौनक अफरोज, अर्श मकाम सादात किराम, बासफा उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नेहती अदब और एहतराम के साथ मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका वास्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। है तो रजा निरा सितम, जुर्मों पे गर लजाए हम, कोई बजाए सोजे गम, साजे तरब बजाए क्यों। आज की महफिल कोई बयान और खिताब की महफिल नहीं, बल्कि हाफिज हनीफ साहब के फर्जंद अर्जुमन हाफिज मोहम्मद लुकमान सल्लमहु के निकाह की तकरीब है, जिसमें आप और सब हम हाजिर हैं। मुझसे पेशतर मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा पीर सैयद ज़ाकिर अली बापू मुद्दज़िल्लहुल आली ने मेरे मुतालिक बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया। मैं इसका मुतहम्मिल नहीं, लेकिन अल्लाह वालों की ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो कबूल हो जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी ज़बान से निकले हुए जुमले मेरे हक़ में कबूल कर लें, और अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के हुस्न ज़न की लाज रखें। बहुत मुख्तसर सा वक्त है, मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है वो आया करीमा इतनी उसअत रखती है। यूँ तो कुरान की हर आयत में बेपनाह उसअतें हैं, लेकिन इस आया करीमा में इतनी उसअत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना और आइडियल है। यानी हम कोई भी काम करने के लिए निकलें तो हमारे लिए आइडियल और नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो। अब हम निकाह करने के लिए भी निकलें तो निकाह में भी आइडियल हुजूर की ज़ात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक और शिमाल से लेकर जुनूब तक और अरब से लेकर अजम तक, निकाह की सुन्नत पर जब हम अमल करने निकलते हैं तो एक सुन्नत का नाम लेकर निकलते हैं और हजारों खुराफात और बिदआत का शिकार होते हैं। रिश्ता तय करने से लेकर वलीमे तक कहीं सुन्नत नजर नहीं आता। नाम सुन्नत का है और सुन्नत का कहीं अता पता नहीं है, और जबकि हमें हुक्म है, हमें तो यहां तक हुक्म है कि खाने बैठो तो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक बैठो। हमें तो हुक्म यह है कि सो तो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सो। हत्ता के हद तो यह है कि अगर बैतुल खला में जाओ तो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जाओ, जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। कि बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकत को तो कोई जानता ही नहीं, अल्लाह ने उनको जो लिबास बशर पहना करके भेजा इसीलिए भेजा ताकि हम जिंदगी गुजारने का तरीका सीख लें। बहुत सी हिकमतें लिबास बशर में, लेकिन
एक हिकमत ये भी तो है कि हम जिंदगी गुजारने का तरीका सीख लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज हमारी जिंदगी को हम देखें कि हम सुन्नतों से कोसों दूर हैं, और बिलखुसूस तकरीब निकाह के मौके पर, जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया। मैं ये समझता हूँ कि शायद इस हदीस पर दुनियादार तो दुनियादार, अब तो दीनदार लोगों का भी अमल इल्ला माशाल्लाह नहीं रह गया। हदीस ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग निकाह मुख्तलिफ वजूहात से करते हैं। अब इसमें आप खुद ही चेक करें अपने आप को, मैं भी अपने आप को चेक करूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग निकाह मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर करते हैं। कोई हुस्न देख कर निकाह करता है, जमाल देख कर निकाह करता है, खूबसूरती देख कर निकाह करते हैं लोग, खूबसूरती देख कर निकाह। लेकिन खूबसूरती की हैसियत क्या है और हुस्न की हैसियत क्या है, ये तो मैंने एक हदीस पाक का हिस्सा पढ़ा, अभी आगे और आप सुनेंगे, लेकिन बीच में मैं उसकी तशरीह भी आपके साथ में करूं और गुफ्तगू आपसे करूं, आप तवज्जो करें। हुस्न की हैसियत क्या है? 18 साल की उम्र में जो लड़का जैसे नजर आता है, 40 साल की उम्र में भी वैसा नजर आए कोई जरूरी है? एक लड़की जो 16 साल की उम्र में नजर आती है, 2-3 बच्चों की मां होने के बाद भी वैसे ही नजर आए कोई जरूरी है? तो जो लोग सिर्फ हुस्न देख करके निकाह करते हैं, खूबसूरती देखकर जो सिर्फ निकाह करते हैं, बाद में फिर बीवी में उनकी दिलचस्पी नहीं रह जाती, क्योंकि जिसको देख कर निकाह किया था अब वो चीज उसको वहां नजर नहीं आती। और जो लड़कियां सिर्फ सफेद चमड़ी देखकर और जाहिरी हुस्न देख करके निकाह करती है, तो फिर क्या होता है जब हुस्न ढल जाता है? देखो हुस्न ढलने की चीज है। कुरान कहता है, कुरान मुकद्दस की आयत की कई तफसीरें हैं, उसमें से कुरान मुकद्दस की आयत की एक तफसीर ये भी है, अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में फरमाता है पहले आयत सुने फिर उसकी तफसीर एक सुने, क्योंकि तफसीर 70,000 अकवाल है एक एक आयत के हवाले से। वह तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलद अमीन लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन। अल्लाह ने 4 कस्में उठा करके फरमाया कि बेशक हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया, और फिर क्या हुआ? लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया, और उसके बाद फिर क्या किया? सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, फिर उसको बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। फिर हमने उसको बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल, खूबसूरत पैदा करके एक वक्त आया कि उसका हुस्न फिर वापस हो गया। क्या हुस्न नहीं जाता? बहुत कम लोग हैं जिनका हुस्न नहीं घटता, तवज्जो फर, बहुत कम लोग हैं जिनका हुस्न नहीं घटता। किन का हुस्न नहीं घटता? इल्लल्लदीना आमनु वअमिलुस्सालिहा, बल्कि बुढ़ापे में हुस्न जाना तो दूर की बात है, जनाजे में भी उनका हुस्न नहीं जाता। बेशुमार ऐसे चेहरे होंगे जिनको आपने जवानी में भी बदसूरत होते देखा, और बेशुमार ऐसे चेहरे होंगे जिनको जनाजे में भी आपने गुलाब की तरह खिलते हुए देखा। सुम्मा रददना वस्फला साफिल, हमने हुस्न छीन लिया। लेकिन हुस्न किसका छीना जाता है जिसमें ये सिफत न हो? इल्लल्लदीना आमनु वअमिलुस्सालिहात, जब ये चीज नहीं होगी तो हुस्न छिन जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लोग सिर्फ हुस्न देख करके निकाह करते हैं, हुस्न ढलने की चीज है। नंबर 2, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर कुछ लोग दौलत देख कर निकाह करते हैं, और बल्कि दौलत देख के निकाह करने पर तो इतनी वाइद है, फरमाया जो सिर्फ दौलत देख के निकाह करेगा अल्लाह उस पर गुर्बत और जिल्लत मुसल्लत फरमाएगा, अल्लाह उस पर तंगदस्ती मुसल्लत फरमाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस घर में बेटी जा रही है उसमें भी तो दौलत अल्लाह के रसूल ने नहीं देखी? मेरे आका अलैहि सलाम ने जिस घर में शहजादी कौनैन को भी आया, बल्कि जिस घर में क्या भी आया, वहां तो घर भी नहीं था, वहां तो घर भी नहीं था। पता चला हम तो जहां से
जब वो बेटी लाते हैं वहां देखते हैं कि दौलत है कि नहीं, कि भीख में हमें जहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दौलतमंदों का घर देखते हैं। हुजूर ने तो देते वक्त भी दौलत नहीं देखी, बल्कि देते वक्त ना दौलत देखी ना घर देखा, बल्कि जिसके साथ भी आ रहे थे उस अली मुर्तजा की दीनदारी को देखा, तकवा और परहेजगारी को देखा, और उसके बाद अपनी शहजादी का निकाह कर दिया। और शहजादी का हाल यह था कि एक एक महीने तक के घर में चूल्हा नहीं जला, एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला। आप हम सोचते क्या है आज सबको दौलत दौलत दौलत, बल्कि मैं यहां पर बगैर, लोग बुरा मानते तो मान जाएं, लेकिन दुनियादार तो दुनियादार है, दीनदार तबका भी इस पर आमिल नहीं, इल्ला माशाल्लाह। मगर अल्लाह जिसको तौफीक दे, दौलत देखी जा रही, या हुस्न देखा जा रहा है या दौलत देखी जा रही। और नंबर तीन, लोग या तो सिर्फ नसब देखते हैं, हर आदमी अपने नसब पर अमीन है, जो जिस नसब से अपने आप को मंसूब कर दे, अगर उसके खिलाफ हमारे पास कोई दलील नहीं तो बिला दलील हमें मानना लाजमी है। निकाह और नसब दो चीजों को बिला दलील मानने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, डाउट तो है ना कि जरूरी है कि इंसान अपने आप को जिस तरफ मंसूब कर रहा है वो उसमें सच्चा भी हो? नसब में गलत मलत भी तो हो सकता है, बल्कि बहुत सारे सहीउन नसब खानदानों के अंदर औरतें खाइन हुई है तो खलत मलत हुआ है, मुमकिन है, डाउट है, कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ लोग सिर्फ नसब देख के करते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, जो हुस्न फानी है उसे देखकर कर रहे हो, जो दौलत बिल्कुल हुस्न से भी जल्दी फानी है। दौलत का हाल तो यह है, कल रात तक जिनको दौलतमंद देखा सुबह उनको कल्लाश देखा, कल तक जिनको देने वाला देखा सुबह उनको लेने वाला देखा। अरे रातों रात जलजले आने पर महलों में रहने वाले फुटपाथ पे नजर आए, खेमों में रहने वाले नजर आए, कपड़ों को मोहताज नजर आए। आपको हैरत होगी, जलजले और सैलाब तो दूर की बात, कोविड के अंदर, कोविड में मेरे एक दोस्त ने, दौलतमंद आदमी, ATM के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, बैंक में पैसे पड़े हुए, देने वाला आदमी, उसने कहा सैयद साहब मुझ पर ऐसा वक्त आया कि हमने बगैर शकर की चाय पी कि हमारा, और बगैर दूध की पी, ना हम शकर लाने के काबिल थे ना दूध लाने के काबिल, हालांकि दौलत बहुत पड़ी हुई है लेकिन नहीं ला सके, कोविड के अंदर ना शकर ला सके ना दूध ला सके। अल्लाह की शान है, अल्लाह बता रहा है कि वो सिर्फ दौलतमंदों को नहीं खिलाता, बल्कि अगर वो रोकना चाहे तो दौलत होने के बाद भी वो तरसा सकता है, वो टुकड़ों को मोहताज कर सकता है। तो इंसान क्या समझता है दौलत को? तो फरमाया हुस्न देखकर निकाह करते हैं लोग, दौलत देखकर निकाह करते हैं, दौलत भी फानी है, और कुछ लोग नसब देखकर करते हैं। मगर मेरे आका सच्चे नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो ना दौलत देख के किया जाए, ना सिर्फ हुस्न देख के किया जाए, ना सिर्फ नसब देख के किया जाए, बेहतरीन निकाह वो है जो दीनदारी और तकवा परहेजगारी देख कर की जाए। हसीन माँ बाप हसीन औलाद पैदा नहीं कर सकते, दौलतमंद माँ बाप दौलतमंद औलाद पैदा नहीं कर सकते, लेकिन दीनदार माँ बाप दीनदार औलाद जरूर पैदा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। बहुत से खूबसूरत माँ बापों की गोद में हमने कुछ ऐसे हल्के फुल्के रंग वाले बच्चे भी देखे हैं, और बहुत से हल्के फुल्के रंग वाले माँ बाप की गोद में बड़े खूबसूरत बच्चे भी हमने देखे हैं। ये अल्लाह की अता है, जिसके घर चाहे हुस्न पैदा कर दे, जिसके घर में चाहे जो है वो हुस्न से हट कर कोई चीज पैदा कर दे। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहि सलाम का ये फरमान, दीनदारी देख करके निकाह हो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हर जवान को खूबसूरत चाहिए यानी सफेद चमड़ी चाहिए, हर लड़की को सफेद चमड़ी चाहिए, और ये सफेद चमड़ी के चक्कर में घर तबाह हो रहे हैं, दौलत के चक्कर में घर तबाह हो रहे हैं, बिरादरी के चक्कर में घर तबाह हो रहे हैं। आजकल हर आदमी लेकर के बैठा है अपनी बिरादरी में करूंगा, अपनी बिरादरी में करूंगा, अपनी बिरादरी में करूंगा, फिर बच्चियों को रोक करके रखते हैं, 30 साल 35 साल तक के बच्चियां उम्र में चली जाती है, और नतीजा ये होता है फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते,
तो शरीफ तो शरीफ है, समझदार तो समझदार है, संजीदा बच्चियां तो संजीदा बच्चियां हैं, लेकिन अगर बच्चियों में जरा छंचलपन रहा तो फिर माज अल्लाह किसी का हाथ पकड़ कर भी वो जाने में दरीक नहीं करती। बाज हसास बच्चियां सोचती है कि मेरे माँ बाप पर मैं बोझ होने लगी हूँ, तो वो भी कोई रास्ता इख्तियार करने लगती है। याद रखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। अगर अपनी बिरादरी में रिश्ता ठीक मिलता है तो ठीक है, और अगर अपनी बिरादरी में नहीं मिलता है तो इस्लाम की बिरादरी कोई छोटी बिरादरी थोड़ी है। किसी भी बिरादरी में अपनी बेटी को बिहा दो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, न किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी गोरे को किसी काले पर, न किसी अरबी को किसी अजमी पर, न किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल है। अरे नादान, जब रसूलुल्लाह की फूफी की बेटी हजरत ज़ैद इब्ने हारसा आजाद करदा गुलाम के साथ भी आई जा सकती है, तो क्या हमारी बेटियां और मुसलमानों की यहां नहीं भी आई जा सकती? आप मुझे बताएं, आजकल जो है, हालांकि हजरत ज़ैद आला नसब थे लेकिन बहरहाल आजाद करदा गुलाम थे, और बल्कि वल्लाह रसूलुल्लाह की गुलामी ने उनको दुनिया के ताजदारों से भी बहुत बुलंद कर दिया था, मगर उस अरब के दस्तूर के मुताबिक तो एक टाइटल उनके साथ था ना कि वो आजाद करदा गुलाम थे। और अल्लाह के रसूल ने खुद उनका उनके साथ चाहे वो सैयदा ज़ैनब का निकाह फरमाया था। फिर उसके बाद आप देखते चले जाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मारिया किबतिया रदी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, हम तो जैसे हुजूर की तमाम पाक अजवाज का एहतराम करते हैं, वैसे जनाब मारिया की जूतियां भी हमारे सर और पर है, हम उनको मां से कम का दर्जा नहीं देते। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, जब रसूलुल्लाह एक कनीज को अपने बेटे की मां बना सकते हैं, आप बताएं ना क्या लोग नसब पे घमंड और गुरूर करते हैं। हुजूर ने एक कनीज को अपने शहजादे की मां बनाया, हुजूर की तमाम औलादे हजरत खदीजा से पैदा हुई है, और सिर्फ एक बेटे जनाब सैयदना इब्राहिम जो है वो हजरत मारिया से पैदा हुए हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, जब कनीज रसूलुल्लाह के शहजादे की मां बन सकती है, अब लोग किस नसब की बात करते हैं, लोग किस नसब की बात करते हैं? अल्लामा जामी कहते हैं, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के फुला इब्ने फुला इब्ने फुला चीज़े नीस। अरे इसके उसके बेटे कहलाने में कोई फख्र नहीं है, अगर फख्र है तो मुस्तफा का आशिक कहलाने में फख्र। आज अगर भागती हुई बेटियों को बचाना है तो बिरादरियों की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। अगर आज बच्चियों की इज्जत को तहफ्फुज़ देना है तो अरबी अजमी काले गोरे ये पठान वो मुगल वो शेख वो फुला ये सब कुछ नहीं, ये पहचान के लिए है। वरना अल्लाह के नजदीक कोई पठान क्या, कोई शेख क्या, कोई मुगल क्या, कोई मिर्जा क्या, कुछ नहीं, बल्कि कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला। बात इतनी और कोई बात नहीं है, इसलिए सिर्फ दर्द भरे आर्टिकल लिखने से काम नहीं चलेगा, दर्द भरी कॉन्फ्रेंसें करने से काम नहीं चलेगा। लोग हर बंदा आकर माइक पे रोकर कहता है हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही, तो भाग रही तो उसका हल भी तो निकालो। तकरीरें किसी चीज का हल नहीं होता, कोई पहल तो करे ना। कोई बंदा बिरादरी के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बिरादरी परस्ती यहां तक है कि अगर बिरादरी में सहूल अकीदा रिश्ते नहीं आते तो बदअकीदों के घर रवाना कर देते। ये बिरादरी, ये जिहालत की बदबू अभी भी बाकी है। मगर याद रखना, किसी बदअकीदा बिरादरी किसी बदअकीदे के साथ बिरादरी में बियाने से बहुत अच्छा है कि किसी और बिरादरी में किसी आशिक मुस्तफा के साथ बिहा दी जाए। इसका ख्याल करें, बल्कि इसकी दर्जनों मिसालें, इससे बढ़कर मैं क्या मिसाल दूं? हुजूर के नसब से बढ़कर नसब कौन, हुजूर के हसब से बढ़कर हसब कौन, हुजूर के हुस्न से बढ़कर हुस्न किसका, हुजूर के इल्म से बढ़कर इल्म किसका, हुजूर के तकवा से बढ़कर तकवा किसका, अल्लाह और हुजूर की परहेजगारी से बढ़कर परहेजगारी किसकी? बल्कि हम तो ये कहते हैं आफाक हा गर्दीदम महरे बुतावर जीदम बिस्यार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दी करी
وسط میں نہ کوئی مثال، نہ علم میں کوئی مثال، نہ عمل میں کوئی مثال، بلکہ خدا نے اپنی مخلوق میں ان جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، وہ صرف رسول نہیں سجد الرسل ہے، وہ صرف نبی نہیں سجد الانبیاء ہے، بلکہ یوں کہہ دوں وہ صرف متقی نہیں بلکہ جانے تقوی ہے، وہ صرف مومن نہیں بلکہ جانے ایمان ہے، وہ اللہ اکبر بانی اسلام ہے۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ ایک کنیز کو اپنے شہزادے کی ماں بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہاں، اس میں بھی اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا، دینداری دیکھو، پرہیزگاری جہاں نظر آ جائے، خوش عقیدگی کے ساتھ بھی وہاں چلے چلو۔ اگر آپ جہیز کے چکر میں اور دولت کے چکر میں پڑے ہیں، یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، بندے سے کبھی آس نہیں لگانا۔ کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ یاد رکھنا، سرکار غوث پاک تو فرماتے، غوث پاک تو پھر غوث پاک، غوث پاک فرماتے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے آس لگانا یہ بھی شرک سے کم ہے۔ لوگوں کو ہاتھوں میں ڈورے شرک نظر آتے ہیں، یہ کیا شرک سے کم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے امید لگائے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کفر اور کس چیز کا نام ہے؟ تو اب بندوں سے لو نہ لگاؤ، بندوں سے امید نہ لگاؤ۔ کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ اور اگر دے بھی دیا تو سن لو اور اس کو دل پہ لکھ لو، انسان انسان کو دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور خدا انسان کو دے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ اللہ اب جہیز اور دولت کے حوالے سے لوگوں سے اگر دل لگاؤ گے وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، لیکن اگر آپ نے بغیر جہیز کے بیاہ کر کے لایا یہ سوچ کر اللہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں کو تک کام آئے گا، اس لیے دولت کی بنیاد پر اور سفید چمڑی، اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں سفید چمڑی خوبصورتی نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا۔ ہاں، سفید چمڑی کا نام خوبصورت، اگر سفید چمڑی کو خوبصورتی کا نام دیں تو پھر جناب بلال کو آپ کیا نام دیں؟ حضرت بلال کو کیا نام دیں؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو وہ ایک کنیز کو ام المومنین کی صفوں میں کھڑا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، آئیے اسی اسوہ کو، اب یاد دھیان رکھنا، اسی اسوہ کو امام حسین نے کیسے نبھایا، اسی اسوہ کو امام حسین نے کیسے نبھایا۔ میں سیدہ شہربانو کے نسب پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال عرف میں اور بہرحال جو سیرت میں ان کی مدینہ منورہ آمد کسی شہزادی کی حیثیت سے نہ تھی، دیکھ لے تاریخ اٹھا کر، شہربانو آئی ہے ایک کنیز کی حیثیت، نسب چاہے جتنا اعلیٰ ہو، شہزادی اپنی جگہ ہو، لیکن آئی ہے تو وہ کنیز کی حیثیت سے، اور جب کنیز کی حیثیت سے آئی ہیں یہ بھی بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ حالانکہ سنیوں نے اور شیعوں نے دونوں اپنی کتابوں کے اندر اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے، یہ بہت خوبصورت سی بات ہے۔ ایک بات میں یہاں آپ کو عرض کروں، جو لوگ صحابہ اور خلفائے راشدین پر زبان دراز کرتے ہیں کہ اہل بیت کی ان کے دل میں کوئی محبت نہ تھی، میں ان سے کہتا ہوں اہل بیت سے جتنی خلفائے راشدین نے محبت کی ہے کوئی کر بھی نہیں سکتے، بلکہ کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں سنیوں کی بجائے اگر ان کی کتاب کا حوالہ دے کر کے پڑھوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، کہ جب سیدہ شہربانو کنیزوں کے ساتھ کنیز بن کر گئے، انہوں نے لکھا یہ بات، حالانکہ ہم تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کنیزوں کے ساتھ کنیز بن کر کے آئی تو ساری جو اب مسجد نبوی کے صحن میں سب بیٹھی ہوئی تھی، تو ساری کنیزیں ڈری سہمی تھی، کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ایک جو ہے وہ اس میں سے خاتون جو ہے کچھ بول رہی تھی زور سے اپنی ایران کی زبان میں، تو فاروق اعظم نے جب
उन कनीजों का और माल गनीमत का जायजा लिया तो फारूक के आजम ने देखा कि ये हुस्न में यकता भी है, खूबसूरत भी बहुत थी, और मगर ये कुछ बोलती है गुस्से में, चेहरे पे गुस्सा है, डर नहीं है, गुस्सा है और बोलती कुछ है। तो फरमाया कि ईरानी जानने वाला किसी को बुलाओ कि लड़की बोल क्या रही है। तो कहा ये लड़की ये बोलती है कि हमारे बाप दादा नामर्द थे जो उन्होंने मुसलमानों से जंग मोल ली और उसके बाद भाग गए, हमने कभी घर छोड़कर आंगन का मुंह नहीं देखा, वो नामर्द भाग गए और हमें इस तरीके से बेपर्दा यहां बिठा दिया मुसलमानों के दरमियान, हमें कभी किसी मर्द ने नहीं देखा, हम तो घर छोड़ के आंगन में नहीं आए, और वो क्या मानना मर्द भागे, मर जाते खुद भी मरते हमें भी मार देते, लेकिन कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता कि इन मर्दों के सामने हम यहाँ पड़ी रहती। जब ये जुमले फारूक आजम को बताया गया कि वो लड़की ये कह रही है, ये बड़ी बहादुर है, ये बड़ी बहादुर है, इससे मुस्तकबिल की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि ऐसी बच्चियां उम्मीदें बहुत वाबस्ता करवाती है कौम को। तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन जब ये बहादुर भी है निडर भी है तो फिर ये तो आपकी बीवी बननी चाहिए। तो फारूक आजम ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी पेशानी में तो मैं किसी और को देख रहा हूं, ये बादशाह के खानदान की बेटी है तो हम इसको ऐसे ही खानदान की बहू बनाएंगे कि वो तो दुनियावी बादशाह की बेटी है लेकिन आखिरत में और दुनिया में जिसकी बादशाह का सिक्का चलता है उस घराने की बहू बनाएंगे। आईना हुसैन, हुसैन कहाँ है, और फरमाया कि इस कमीज को हुसैन के हवाले कर दो। शेरबानो जब मेरे इमाम के हवाले की गई तो उस वक्त वो एक कमीज थी, इमाम ने उनको आजाद करके निकाह किया और तमाम इमामों की माँ होने का शरफ अता कर दी। इमाम ज़ैनुल आबदीन की माँ वो है, मोहम्मद बाकिर की माँ वो है, जाफर सादिक की माँ वो है, मूसा काज़िम की माँ वो है, अली रज़ा की माँ, यानी कि सारे इमाम ज़ैनुल आबदीन के बाद जिसकी कोख से पैदा हुए हैं वो हजरत सैयदा शहरबानो की ज़ात। बल्कि ये कह दूं सैयदा फातिमा के बाद अगर सबसे ज्यादा मुत्तकी बेटे किसी की नस्ल में हुए हैं या किसी की कोख से हुए हैं तो उसे सैयदा शहरबानो कहा जाए। इतने गौस उनकी नस्ल में पैदा, गौसियते कुबरा का मंसब इमामों के हाथ में रहा, इमाम ज़ैनुल आबदीन गौसियते कुबरा पर, इमाम मोहम्मद बाकिर गौसियते कुबरा पर, इमाम जाफर सादिक गौसियते कुबरा पर, मूसा काज़िम गौसियते कुबरा पर, अली रज़ा गौसियते कुबरा पर, इमाम तकी गौसियते कुबरा पर, इमाम नकी गौसियते कुबरा पर, हसन अस्करी गौसियते कुबरा पर, और ये सब किसके, सब के सब हुसैनी है, ये सब के सब हुसैनी, और ये औलाद है हज़रत शहरबानो की। इस एतबार से तो कनीजों को कुचलना तो सबने सिखाया है लेकिन किसी कनीज को इमामों की माँ बनाना ये अहले बैत का वतीरा बताए ना। नाना ने कनीज को उम्मुल मोमिनीन के सफ में खड़ा किया और नवासे ने उस वे मुस्तफा पे अमल करते हुए एक जंग में आई भी जाहिरी करी। फिर मैं कह मैं उन्हें कनीज नहीं मानता लेकिन उर्फ तो बात तो करनी पड़ेगी ना, बात तो करनी पड़ेगी ना, उर्फ के एतबार से वो आई थी कनीज की हैसियत से, कहां तो इमामों की मां बन गई और ऐसी इमामों की मां बनी मेरे आका इमाम आली मकाम उनके बगैर कभी ना रहे, हत्ता के करबला गए तब भी वो साथ गई। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे, मैं बात आज मुझे आधे घंटे का ही टाइम है क्योंकि ट्रेन पकड़नी है और सूरत के दूसरे प्रोग्राम है मुझे, मैं अपनी बात इसी मुकम्मल करता हूँ। मैं तो आता ही रहता हूँ, आप लोग मुझे सुनते ही रहते हैं और अब तो इंटरनेट की बरकत नहीं माशाल्लाह, जो मिल के नहीं सुन लेते हम आपको भी देख लेते हैं, आप हमें भी देख लेते हैं। अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। आप जानते हैं कि वादी नूर आज़ाद मैदान में 16-17-18 दिसंबर को सालाना इज्तिमा हो रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उस इज्तिमा में आप तशरीफ ले चलें। कोविड के बाद तकरीबन 3 साल के गैप से इज्तिमा हो रहा है, आप हजरात 16-17-18, 16 को औरतों के लिए, 17-18 को मर्दों के लिए है, बड़ी तादाद में शरीक हों, कोई गुफ्तगू में गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाएं और अल्लाह पाक मेरे आकाओं की इन खिदमात को जो ग़ुलामी की जा रही है अल्लाह ताला कबूल फरमा लें। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की
जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जिक्र नबी और आले नबी छिड़ा और वक्त तमाम हो गया। इसीलिए बदले ना खास्ता कहीं के वादे के लिए कहीं पर रुकना ही होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।